राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क में पेश है हिमाचल प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरें। सीएम जयराम ठाकुर जाएंगे मंडी, बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को मंडी जिले के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की 36 घटनाओं में एक ही परिवार के 8 सदस्यों सहित 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12 अन्य घायल हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी में बाढ़ तथा भूस्खलन से अब तक सबसे ज्यादा तबाही मची है, जहाँ अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 अन्य लोगों के लापता होने के कारण उनके जीवित होने की उम्मीद भी अधिक नहीं है। मंडी में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। ब्यास नदी में महिला का शव बरामद। नूरपुर में 7 मकान क्षतिग्रस्त। सैंज में 50 बीघा जमीन में आई दरारें। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। रविवार को मंडी जिले के संधोल में ब्यास नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। DSP सरकाघाट ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की जा रही है। वहीं नूरपुर की पंचायत खेल में रात भारी बारिश से जमीन धंस गई, जिससे 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू में सैंज के सुचेहन गांव में 50 बीघा जमीन में 4-5 फीट गहरी दरारें आ गई है, जिससे एक दर्जन घरों में भी दरारें आ गई है। हमीरपुर में बाढ़ से अवरुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाढ़ के कारण पिछले 2 दिनों से पेयजल की अनुपलब्धता के बाद सोमवार को जलापूर्ति बहाल कर दी गई। जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता राकेश ठाकुर ने बताया कि ब्यास नदी में जल स्तर कम होने पर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। वहीं क्षतिग्रस्त पाइपों और अन्य मशीनरी की मरम्मत का काम कल रात तक पूरा कर लिया गया था। शहर को पानी की आपूर्ति ब्यास नदी के बाएं किनारे के पास पलाही गाँव से होती है। नदी में बाढ़ से मशीनरी को भारी नुकसान होने के कारण 2 दिनों तक शहर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। पंजाब से लाए गए पशु से हिमाचल में फैला लंपी त्वचा रोग। शिमला में आया था पहला मामला। देश में वर्ष 2019 में पहली बार पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैला था। मौजूदा साल में पहली बार हिमाचल में लंपी त्वचा रोग का सबसे पहला मामला शिमला के चेले गाँव में पाया गया था। ये पशु मामला जिले में पंजाब से खरीद कर लाया गया था और ये रोग से ग्रस्त था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद के इस्तीफे से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस नेताओं को चिंता सताने लगी है कि विधानसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा की नाराजगी भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बाधा बन सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा को इससे एक और मुद्दा मिल जाएगा। प्रदेश कांग्रेस को 2 विधायकों पवन काजल और लखविंदर राणा ने भाजपा में जाकर पहला झटका दिया है। अब आनंद शर्मा के इस्तीफे से कांग्रेस में फिर हड़कंप है। अब 6 सितम्बर से शुरू होगी दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दिल्ली के बीच 6 सितंबर से हवाई सेवाएं फिर से शुरू होगी। नगर विमानन मंत्रालय ने 22 अगस्त का प्रस्तावित कार्यक्रम 2 सप्ताह टाल दिया है। नगर विमानन महानिदेशालय की टीम जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे का निरीक्षण कर लौट आई है। महानिदेशालय की ओर से हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मोक्ष धाम योजना शुरू, कंवर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्ष धाम योजना शुरू की है, ताकि शोकाकुल परिजन अपने प्रियजनों के शरीर के पंच तत्वों के विलय की प्रक्रिया को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप निर्विघ्न रूप से कर सके तथा उन्हें स्थल पर सभी उचित सुविधाएं मिल सके। श्री कंवर ने यहां कहा कि नए मॉडल के मुक्तिधाम स्थल का निर्माण परंपरागत शमशान से कई अर्थों में भिन्न होने के साथ ही स्वच्छता का प्रतीक भी होगा। चलती गाड़ी पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, चालक की मौत। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर पंडोह के जोगनी मंदिर के पास एक पिकअप वाहन पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आकर ब्यास नदी में गिर गया। चट्टानों के कारण वाहन के परखचे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पंडोह पुलिस, NDRF दल सहित स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए। भारी बारिश होने से राहत कार्य प्रभावित हुआ है। पुलिस व NDRF की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी के चालक को कड़ी मशक्कत से सड़क तक पहुंचाया। मोदी सरकार के 8 वर्षों में बढ़ी महिलाओं की सहभागिता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आदिकाल से ही महिलाओं की सहभागिता और सहयोग समाज के निर्माण में अहम भूमिका रही है। श्री राय ने कहा कि यह सम्मेलन हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। शिमला में हो रहे इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल कर पुलिस तंत्र में कई सुधारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज, एरियर देने पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज 3 बजे
होगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने के बारे में फैसला हो सकता है। कर्मचारियों को एरियर की पहली किश्त दी जानी है। इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को की थी।